Assalamualaikum students, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। आज हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, कराची बोर्ड की बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द कंजुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो देयर मॉडुलस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है -7 प्लस आयोटा। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इसे किसी नाम के इक्वल सपोज कर लेंगे। लेट सपोज दैट सेट इज इक्वल टू -7 प्लस आयोटा। अब तो बोथ साइड पर कंजुगेट लिया जाएगा, टेकिंग कंजुगेट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड पर, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, दोनों साइड पर कंजुगेट लिया। कंजुगेट यानी ऊपर बार लगा दिया जाएगा। इट्स मीन दैट कंजुगेट में होता क्या है, बहुत ही सिंपल, कि जिसके ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर ये बार लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू में आयोटा वाला साइन चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है आयोटा के साथ, तो आयोटा के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, ये इसका कंजुगेट कहलाएगा। जबकि रियल नंबर जो -7 है, इस रियल वैल्यू को हम कहते हैं कि सेम एज जी रखेंगे, जबकि इमेजिनरी वैल्यू जो कि आयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साइन को चेंज करेंगे और यही कंजुगेट कहलाएगा इस वैल्यू का। सो -7 माइनस आयोटा हो गया, -7 प्लस आयोटा का कंजुगेट। अच्छा जी, इसके बाद मॉडुलस लेना है। जब मॉडुलस लेंगे तो बोथ साइड्स, साइड पर मॉडुलस ले लिया गया और इस सेट पर एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर की, जबकि दूसरी वैल्यू वाई स्क्वायर की, आयोटा वाली वैल्यू वाई स्क्वायर की कहलाएगी। दोनों को स्क्वायर लेकर प्लस कर लिया जाएगा, जबकि उसके बाद रूट लेना है हमें। तो पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू -7 हो जाएगी, -7 का स्क्वायर, प्लस का साइन लगाने के बाद वाई की वैल्यू आयोटा माइनस, जो हमारे पास आयोटा की वैल्यू नॉर्मली क्या है, आयोटा, आयोटा की जगह माइनस का 1 हम जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 प्लस 1 50, रूट के अंदर 50, 25 इंटू 2 कहलाता है, जबकि 25 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 इंटू 5 एक 5 यानी 25 रूट से बाहर आकर 5 बन जाएगा, जबकि रूट के अंदर 2 ही रहेगा, तो 5 रूट 2 हमारे पास इसका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट 2। अच्छा जी देखिएगा, 2 आयोटा प्लस 1, ये इमेजिनरी पार्ट है जबकि ये रियल पार्ट है। 1 जेड के इक्वल सपोज कर लिया, 1 प्लस 2 आयोटा, कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने पर जेड का कंजुगेट हमारे पास आयोटा की वैल्यू 2 आयोटा थी, प्लस 2 आयोटा थी, यहाँ पर माइनस 2 आयोटा हो जाएगी 1 के बाद, 1 माइनस 2 आयोटा। इस तरीके से वही फार्मूला यूज करेंगे जो सेम पिछले क्वेश्चन में यूज करा था, और वो फार्मूला ये है हमारे पास कि जेड का मॉडुलस इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। एक्स स्क्वायर पहली वैल्यू यानी 1 की वैल्यू, 1 का स्क्वायर ले लिया, और आयोटा की जगह यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो -1 होता है, -1 की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और -- प्लस हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसलिए वहां पर भी आयोटा का स्क्वायर यूज करा था, तो इस वजह से साइन चेंज हुआ था। हमारे पास ये माइनस का साइन, -1 जब आयोटा की जगह हम कंसिडर करें क्या, -1, तो -1 का माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा -, प्लस प्लस 1 यानी 2 रह जाएगा रिमेनिंग 2, और 2 का स्क्वायर ले लेंगे वाई की वैल्यू में, वाई की वैल्यू में पूरी वैल्यू, पूरी वैल्यू रखनी है, यानी -2 आयोटा। तो माइनस माइनस रहा, 2 के बाद आयोटा की जगह हमने ले लिया, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने ले लिया -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिया, तो माइनस माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो माइनस प्लस हो गया और रहेगा रिमेनिंग वैल्यू रह गई है 2। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 4 रूट 5, रूट 5 हमारे पास इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन में हमारे पास 5 -2 है। सबसे पहले इसे z के इक्वल कर लिया, लेट सपोज z इज इक्वल टू 5 -2, उसके बाद कंजुगेट लिया, कंजुगेट के लिए ऊपर बार लगा देंगे, उसके बाद 5 -2 आयोटा की जगह +2 आयोटा हो गया कंजुगेट में। उसके बाद ये वही फार्मूला सेम यूज करा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह यानी एक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू जो पहली वैल्यू हो गई वो 5 है, 5 का स्क्वायर ले लिया, प्लस दूसरी वैल्यू यानी 2 आयोटा, 2 आयोटा की जगह 2 आयोटा लिया, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का 1 आएगा, तो -1 ये माइनस साइन बचा, जबकि 2 रिमेनिंग ऐसी वैल्यू रह गई। -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस 4 और 25 प्लस 4 से 29 हमारे पास जेड मॉडुलस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट को जरा देख लीजिए। 4 पार्ट में 2 कॉमा 1
हमारे पास नंबर है जेड इज इक्वल टू 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 प्लस आयोटा। अच्छा जी हाँ जी, ये हमारे पास जो वैल्यू है टू कॉमा वन, वन नहीं बल्कि टू कॉमा आयोटा है। तो हम ले लेंगे सबसे पहले टू प्लस आयोटा, तो इसे कंजुगेट ले लिया गया इसका, टेकिंग कंजुगेट बोथ हैंड साइड, यहाँ पर भी जेड के ऊपर कंजुगेट आ गया टू प्लस आयोटा से, तो क्या हो जाएगा ये इसका कंजुगेट लेते हुए टू माइनस आयोटा हो जाएगा। मॉडुलस के लिए सेम वही फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर इसको यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू यानी टू का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, और ये पहले ही अलग से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस वन का स्क्वायर। अच्छा जी फोर प्लस वन, फोर प्लस वन से हो जाएगा फाइव, रूट के अंदर फाइव, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था पार्ट फोर, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन टू के हमारे पास इतने ही पार्ट हैं, जबकि नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अच्छा जी फर्स्ट पार्ट है में एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है टू इंटू थ्री, टू कॉमा थ्री से दो कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जबकि इक्वल है माइनस फोर सेवन के। फर्स्ट मेथड में ये करा गया है कि दोनों को प्रोडक्ट ले लिया गया है मल्टीप्लाई के रिलेशन से, मल्टीप्लाई के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। अच्छा जी फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया इसे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ए सी माइनस बी डी प्लस बी ए डी प्लस बी सी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करा गया है। देख लीजिए एक्स टू से तो टू एक्स, थ्री वाई से थ्री वाई, बीच में माइनस का साइन, फिर उसके बाद एक्स फर्स्ट के साथ दिया था अभी, अब एक्स थ्री के साथ लेंगे थ्री एक्स, और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, और सेकंड सेकंड के साथ लिया था अब सेकंड को फर्स्ट के साथ लेंगे यानी टू वाई प्लस टू वाई ले लिया। उसके बाद माइनस फोर प्लस कॉमा सेवन सेम एज इट इज लिख दिया। अच्छा जी ये फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट राइट साइड पर मौजूद माइनस फोर यानी फर्स्ट वैल्यू के इक्वल कर एक इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, और इक्वेशन में अगर इसे लिख दिया जाए टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, जबकि थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल हो जाएगा किसके सेवन के, टी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सेवन, इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब हमें इसमें जरा देख लें तो ये है कि अगर हमें इसे कैंसिलेशन करनी है तो कैंसिलेशन के लिए हमें किसी एक के कोफिशियंट को यानी x के बराबर वाले नंबर यानी x के कोफिशियंट या y के कोफिशियंट को सेम बनाना होगा, सेम बनाएंगे तो एड या सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करते वक्त वो कैंसिल हो सकता है। तो जरा देख लें यहाँ जो मल्टीप्लाई किया गया इक्वेशन वन को टू से, इक्वेशन वन को टू से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में हम इस वक्त y की वैल्यू y के कोफिशियंट को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसके साइन चेंज है प्लस माइनस, और ये अगर एड करा जाए ने तो वो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कब कैंसिल हो सकते हैं जब ये भी यहाँ पर जो वैल्यू हो सेम वही वैल्यू यहाँ पर हो। तो करा यह जाएगा कि इस वैल्यू को थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे जबकि टू को थ्री से, यानी जब थ्री को टू से करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को टू से करेंगे। तो इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करा दिया गया और सेकेंड इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करवा देंगे, थ्री टू सिक्स बनेगा। अच्छा जी सेकंड इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देख लीजिए हमें टू को थ्री से करना है, थ्री को बल्कि टू को टू से करना है, थ्री को टू से करना है, फोर को टू से करना है, यानी ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को पूरी की पूरी टू से करना है। तो टू टू फोर हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, फोर टू जा एट हो जाएगा। ठीक है फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन जो थी इसे हमने टू से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन ये कुछ ऐसे बन गई है। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करने से थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ये आ गया। दोनों को आप एड कर देंगे ऑन एडिंग, दोनों को एड करने से तो यहाँ पर फोर और नाइन एड हो गए थर्टीन एक्स हो गए, जबकि सिक्स सिक्स वाई और प्लस सिक्स वाई कैंसिल हो गया, यही हमें करना था कि कोई एक वैल्यू कैंसिल हो जाए। अच्छा जी यहाँ पर ट्वेंटी वन में से एट माइनस होगा तो थर्टीन रह गया, अच्छा थर्टीन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जहाँ पर थर्टीन डिवाइड हो जाएगा तो थर्टीन बाई थर्टीन से वन आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन। फर्स्ट मेथड तो ये था, इस तरह से एक्स की वैल्यू निकाली है, अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर देंगे इक्वेशन एक्स की वैल्यू को किस फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि एक्स यहाँ पर टू एक्स था, एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी वन और बाकी इस तरह से वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स की जगह हमने वन लिख दिया, टू वन इंटू वन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, तो टू वन से टू ये माइनस फोर था, माइनस फोर उस साइड पर आ गया प्लस फोर हो गया, जबकि माइनस थ्री वाई उस साइड पर शिफ्ट हो गया तो थ्री वाई पॉजिटिव हो गया। फोर प्लस टू से सिक्स, थ्री उधर जाकर शिफ्ट होगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए थ्री टू जा सिक्स वाई इज इक्वल टू टू, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड मेथड को भी देख लीजिए, सेकंड मेथड में ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर माइनस फोर सेवन के इक्वल थे, यहाँ पर ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है टू कॉमा थ्री ये उधर जाकर उससे डिवाइड करवा देंगे, और डिवाइड करके यहाँ डिवाइड का फार्मूला भी यूज हो जाएगा, और डिवाइड के फार्मूले को फॉलो करते हुए फोर माइनस फोर
इंटू टू, 7 इंटू थ्री, बीच में यहां पर प्लस का साइन आना है, प्लस साइन आ जाएगा, ये मिस्टेक हो गई है, यहां पर प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन आएगा इस तरीके से, 7 3 से, माइनस 4 3 से, 7 2 से, माइनस 4 7 2 से और माइनस 4 3 से बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और नीचे तो डिनोमिनेटर जो होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर इधर भी, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दूसरी साइड पर भी ले लेंगे। तो सेम वही रूल फॉलो करा है जो पिछले क्वेश्चन में आप डिस्कस करा था आपसे। अच्छा ये देख लीजिए, 4 टू 8 7 थ्री 21 माइनस 8 प्लस 21 नीचे 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 7 टू 14 4 3 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12 12 और 14 प्लस हो जाएंगे नीचे 4 और 9 भी प्लस हो जाएंगे। अच्छा जी हाँ जी तो वो दोनों नंबर प्लस हुए। ट्वेल्व माइनस नाइन से ट्वेंटी वन माइनस नाइन से 18 13 आ जाएगा और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इससे हमारे पास 26 आ रहा है तकरीबन नीचे 3 और 9 13 आ जाएगा, इधर भी 13 तो यहाँ 26 आ रहा है जबकि यहाँ 13 13 और 21 में से 8 को लेस करने की वजह से 13 आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में दो जगह 13 आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 13 13 आ गया जबकि यहाँ 26 आया था, यहाँ 13 31 से 39 2 से 26 यहाँ पर 1 रिमेनिंग बचा, 1.2 y की वैल्यू आ गई 1.2 सही है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड का मैट्रिक देख लेते हैं, एक्स प्लस थ्री आयोटा पर होल स्क्वायर है इज इक्वल है 2y आयोटा। तो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ये ले लिया, 2y आयोटा सेम एज इट इज लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला ओपन किया गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला आपके पास सामने मेंशन किया गया है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू 6 एक्स आयोटा हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर तो 9 होता है जबकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 की वजह से ये साइन माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा जी 2y आयोटा यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम अलग सेपरेट करके लिख रहे हैं जबकि ये जो कि कॉम्प्लेक्स में दो नंबर होते हैं हमारे पास रियल और इमेजिनरी, जबकि ये इमेजिनरी पार्ट है, 6x आयोटा इमेजिनरी पार्ट है इसलिए इसको सेपरेट करके जरा सा लिख दिया गया मेंशन करने के लिए क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट सिर्फ था रियल है ही नहीं तो रियल नहीं है तो उसकी जगह जीरो कंसिडर करेंगे, जीरो प्लस 2y आयोटा लिख लिया है। ठीक है अब देख लिया रियल जो है यानी जिसमें आयोटा नहीं है उसे रियल कहेंगे तो उसे रियल के यानी जिसमें आयोटा नहीं है उसके इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इक्वल करेंगे जीरो के, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा है 6x आयोटा को इक्वल कर लिया जाएगा 2y आयोटा के, 6x आयोटा इक्वल हो गया 2y आयोटा के, दोनों का आयोटा कैंसिल हो गए इधर दोनों साइड पर आयोटा था इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस 9 राइट साइड पर शिफ्ट हुआ तो प्लस 9 हो गया और एक्स स्क्वायर यानी रूट ले लेंगे तो रूट की वजह से प्लस माइनस 9 आ गया, प्लस माइनस 9 रूट 9 से 3 आ जाता है, एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अच्छा जी तो यहाँ पर 2 उधर जाकर 6 से डिवाइड होगा, 2 3 जो 6 3x y = 3x ये हमारी इक्वेशन बनी, x = 3 एक्स ऊपर हमारे पास प्लस 3 और माइनस 3 वैल्यू आई थी तो यहाँ पर एक्स की जगह जब 3 डालेंगे तो 3 जीजा 9 हो जाएगा और अगर माइनस 3 डालेंगे तो 3 जीजा 9 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है तो हमारे पास ये कुछ आंसर्स आ गए, एक्स की वैल्यू 3 वाई की 9 एक्स की माइनस 3 और वाई की माइनस 9। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।